हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SRGStep। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग को कैसे यूज किया जाता है। तो गाइस, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है अपने अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस करना और जो भी इंटरनेट बैंकिंग में फैसिलिटी दी गई है उनको ऑनलाइन बेनिफिट्स लेना। तो गाइस, आप इंटरनेट बैंकिंग की मदद से अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स देख सकते हैं और अपने अकाउंट को घर बैठे 50% एक्सेस कर सकते हैं। और गाइस, आप इंटरनेट बैंकिंग की मदद से अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन और स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे अपने FD RD अकाउंट ओपन या बंद कर सकते हैं और अपनी न्यू चेकबुक को भी घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग की मदद से। और गाइस, आप न्यू ATM कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और पुराने ATM कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं और ATM कार्ड की लिमिट कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरनेट बैंकिंग को कैसे यूज किया जाता है। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए आप क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर अपने बैंक की वेबसाइट टाइप करेंगे। जैसे कि मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो हम यहां पर टाइप करेंगे SBI नेट बैंकिंग और सर्च करेंगे। तो जो भी फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग पेज पर आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपका अकाउंट दूसरी बैंक में है और उसकी वेबसाइट के बारे में आपको नहीं पता है तो आप बस ब्राउजर में टाइप करेंगे आपके बैंक का नाम। जैसे कि हम यहां पर टाइप कर देते हैं HDFC बैंक और इसके आगे टाइप कर देंगे नेट बैंकिंग और सर्च कर लेंगे तो आपके सामने जो भी सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो यही होगा आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का पेज। और यहां पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ब्राउजर में सर्च करते हैं एक्सिस बैंक और इसके आगे टाइप कर देते हैं नेट बैंकिंग और इंटर करेंगे तो सबसे पहला लिंक होगा, यही होगा एक्सिस बैंक का नेट बैंकिंग का पेज। और यहां पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपका बैंक है उसका नाम डालेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे नेट बैंकिंग और सर्च करेंगे तो गूगल में जो सबसे पहला सर्च रिजल्ट होगा वही होगा आपके बैंक की नेट बैंकिंग का पेज। तो दोस्तों, अब मैं नेट बैंकिंग लॉगिन करके बताता हूं कि आप नेट बैंकिंग से अपने बैंक की क्या क्या फैसिलिटी ले सकते हैं। तो मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं यहां पर सर्च करता हूं SBI नेट बैंकिंग और इस पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग का पेज आ जाएगा और यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, पर्सनल बैंकिंग और कॉरपोरेट बैंकिंग। अगर आपका अकाउंट पर्सनल अकाउंट है जैसे कि सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट तो उसके अंतर्गत आपको बैंकिंग दी जाती है, उसे कहा जाता है पर्सनल बैंकिंग। तो उसके लिए आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपका कोई करंट अकाउंट है या कंपनी का अकाउंट है तो उसके तहत जो बैंकिंग दी जाती है उसे कॉरपोरेट बैंकिंग कहा जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट है तो हम पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन करते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो कि आपको बैंक की तरफ से दिया गया होगा या आपने खुद क्रिएट किया होगा। इसके बाद ये कैप्चा डालेंगे जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा ही टाइप कर देंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वह OTP यहाँ पर डाल देना है और OTP डालने के बाद यहाँ पर पूरा आपका बैंक अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर ऊपर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट में माई अकाउंट एंड प्रोफाइल है जिसमें आप अपना अकाउंट समरी देख सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम और यहाँ पर क्लिक करेंगे बैलेंस देख सकते हैं। और यहाँ ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप अपनी अकाउंट डिटेल्स एंड अवेलेबल बैलेंस एंड लास्ट के 10 ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट हुआ और कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। और दोस्तों, यहां पर अकाउंट एंड प्रोफाइल में अकाउंट समरी जो अभी हमने देखा है यहां पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट निकालने के लिए यहां पर आपके अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कब से कब तक का स्टेटमेंट निकालना है। यहाँ पर बाय डेट, आप डेट डालकर स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और बाय मंथ, आप यहाँ पर महीने महीने का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नीचे फॉर्मेट दिए हुए हैं, आपको कौन से फॉर्मेट में स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपको ट्रांजेक्शन बस देखना है तो व्यू पर क्लिक करेंगे और अगर आपको एक्सेल में स्टेटमेंट चाहिए तो एक्सेल पर क्लिक करेंगे।
और अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड इन पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक कर देना है और आपका स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। माई अकाउंट एंड प्रोफाइल में और बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको पेमेंट एंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट ट्रांजैक्शन पैसे भेजने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिनका यूज करके आप NEFT, RTGS, IMPS सभी तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में क्विक ट्रांसफर से आप एक दिन में तत्काल किसी को मैक्सिमम 25,000 भेज सकते हैं किसी का भी अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड डालकर। और अगर आपको 25,000 से ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो ऐड बेनिफिशियली पर क्लिक करेंगे और आपको जिसको पैसे भेजना है उसके अकाउंट को बेनिफिशियली ऐड कर लेना है। फिर 4 घंटे बाद मैक्सिमम 10 लाख रुपीस आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, फंड ट्रांसफ़र ऑन SBI अकाउंट। अगर आप खुद के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप दूसरे व्यक्ति के SBI बैंक के खाते में पैसा भेजना चाहते हैं तो अकाउंट से ऑफ अदर पर क्लिक करके भेज सकते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अमाउंट डाल देना है जितना अमाउंट आप भेजना चाहते हैं, और पर्पज सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जितने SBI के खाते आपने बेनिफिशियली ऐड किए हैं सारे अकाउंट्स दिख जाएंगे। जिस अकाउंट्स में आपको पैसे भेजना है वह अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, वह डालकर कन्फर्म कर देंगे तो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आप SBI बैंक के अलावा किसी और बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं अदर्स बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करके आप भेज सकते हैं। और यहाँ पर IMPS इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ बहुत सारी सुविधा दी गई हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ तीसरे नंबर पर बिल पेमेंट्स का ऑप्शन है जिस पर क्लिक करके आप अपने सारे बिल्स वगैरह पेड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर चौथे नंबर पर डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप अपना FD RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, वह म्यूचुअल फंड और बहुत सारे फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर पांचवें नंबर पर आपको टैक्स वगैरह की जानकारी दी गई है जिस पर क्लिक करके आप ई-टैक्स वगैरह देख सकते हैं। अब यहाँ पर छठवें नंबर पर ई सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ATM कार्ड सर्विस मिलेगी जिससे आप पुराने ATM कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और ATM कार्ड की लिमिट चेंज कर सकते हैं, ATM कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, नया ATM कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और न्यू ATM कार्ड की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं और यहाँ से ही देख सकते हैं कि आपके खाते में अभी कितने ATM कार्ड लिंक हैं। और यहाँ पर ई सर्विस में आप ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग अकाउंट में क्लिक करके अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ई सर्विस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं जिनका आप बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। अब सातवें नंबर पर आपको रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज का ऑप्शन दिया गया है जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी जिसमें सेकंड नंबर पर चेकबुक सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप न्यू चेकबुक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर आप चेक के पेमेंट को स्टॉप कर सकते हैं, मतलब चेक को कैंसिल कर सकते हैं। और दोस्तों रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज में और बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने इंटरनेट बैंकिंग से अपने बैंक अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस आप ऐसे जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसकी साइट सर्च करके आप ऐसे अपने बैंकिंग नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और अपने बैंक अकाउंट को 50 से 80% घर बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें क्योंकि और आगे भी बैंकिंग से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूंगा और आपको बैंक से रिलेटेड नॉलेज देता रहूंगा। तो गाइस मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।